हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से। सबसे पहले जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल में हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, डोमेस्टिक ट्रेड, एजुकेशन, करियर और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी कोर्स के बारे में भी पूछना है तो वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और उसके साथ एक बेल आइकॉन होगा, उसको क्लिक करना साथ के साथ बिल्कुल ना भूलिए, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा नए वीडियोस के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में ड्रॉप शिपिंग की। क्या है ड्रॉप शिपिंग? दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग उनके लिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो लोग घबराते हैं बिजनेस करने से, डरते हैं बिजनेस करने से, जो लोग सोचते हैं यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं लगा सकता, या मुझे डर है लॉस का, मैं पैसा लगाऊं क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो उनके लिए ये एक वरदान है। यानी बिना पैसा लगाए आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें फ़ायदा भी कमा सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िए और उसके बाद आप पैसा लगाइए। बात करता हूँ ड्रॉप शिपिंग की। दोस्तों, क्या है ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग का मतलब आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपको किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों, आपको किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जैसे लोग अमेज़ॉन पे जाते हैं, आप एक सेलर हैं, अगर सपोज करिए आप अमेज़ॉन पे जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, स्टॉक रखना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी होलसेलर के पास गए या मैन्युफैक्चरर के पास गए, आपने प्रोडक्ट को परचेज किया और उसके बाद उसको अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं। अब इसमें हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आपको इसमें प्रोडक्ट परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी आपको कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करना, आपको बस उस होलसेलर या उस मैन्युफैक्चरर के पास जाना है और उसको बोलना है, भैया मैं आपका प्रोडक्ट सेल करूँगा, आप मुझे बताइए कि आप मुझे कितने का प्रोडक्ट देंगे। देखिए, सपोज़ कीजिए मैं दिल्ली में गफार मार्केट की बात करता हूँ, वहाँ पे आप कोई मोबाइल की एसेसरीज़ लेने गए, कोई चार्जर लेने गए, कोई हेडफोन लेने गए, आजकल ब्लूटूथ हेडफोन का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, वो लेने गए, आपने उनसे परचेज़ किया सस्ते रेट पे और उसके बाद अमेज़ॉन पे लिस्ट कर दिया, अमेज़ॉन पे डाल दिया। अब किसी बायर ने आपको देखा, आपके प्रोडक्ट को देखा और वो आपसे प्रोडक्ट मंगाया और आपने उसे कूरियर कर दिया। ये है नॉर्मल अमेज़ॉन का तरीका। लेकिन ड्रॉप शिपिंग क्या कहता है? ड्रॉप शिपिंग ये नहीं कहता कि आपको उस होलसेलर से या उस मैन्युफैक्चरर से या किसी भी शॉपकीपर से वो प्रोडक्ट परचेज करना है। ड्रॉप शिपिंग ये कहता है कि आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करिए, लेकिन लिस्ट करने से पहले आप उस मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से पहले ही बात करके रखिए, देखो यार मैं आपको सेल दूंगा, ठीक है, मैं आपसे प्रोडक्ट परचेज करूंगा और आगे बेचूंगा। अब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की लेकिन प्रोडक्ट को लिस्ट किया। अब आपके पास बायर आया, उसने आपको ऑर्डर दिया। सपोज करो कि मैंने पहले ही गफार मार्केट गया दिल्ली में, कोई ब्लूटूथ हेडफोन के सेलर से मेरी बात हुई, चाहे वो होलसेलर है, तो मैंने उससे बात की कि भैया ये ब्लूटूथ हेडफोन है, मैं आपसे ये हेडफोन ले लूँगा, मुझे थोड़ा एक रेट बता दो। और मैंने उस रेट पे, सपोज करो वो मुझे 600 रुपये रेट दे रहा है, मैंने 1000 रुपये में वो ब्लूटूथ हेडफोन अमेज़ॉन पे लिस्ट कर दिया, लेकिन मैंने उस ब्लूटूथ हेडफोन को अभी ख़रीदा नहीं है, अभी सिर्फ मैंने लिस्ट किया है। अब बायर ने मुझे ऑर्डर दिया, मैं क्या करूँगा? बायर ने मुझे ऑर्डर दिया, उसके बाद मैं स्टेप उठाऊँगा, मैं उस दुकानदार से वो ब्लूटूथ हेडफोन लूँगा और उसके बाद अपनी पैकेजिंग में उसे कूरियर कर दूंगा। क्या इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगी? नहीं लगी। ऐसे ही ऐसे टाइप्स आप बहुत से मैन्युफैक्चरर के साथ भी कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटीज में। स्पोर्ट्स में है, अगर आपको स्पोर्ट्स गुड्स में करना है, टॉयज में करने हैं, तो आपके पास ऐसी बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, अली एक्सप्रेस आपके सामने, अली एक्सप्रेस पे बहुत से सेलर अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपने अली एक्सप्रेस से टाई अप नहीं करना, आपने देखा एक प्रोडक्ट, जैसे मैं फिर बात करता हूँ, जैसे
आपका वही हेडफोन हो गया, ब्लूटूथ हेडफोन जो हो गया, वो वहां सपोज कीजिए $5 का बिक रहा है। आपने क्या किया, कुछ इमेजेस लेके अमेजोन पे डाल दिया और लिख दिया जी $10 के हिसाब से इंडियन करेंसी का प्राइस निकाला और डाल दिया। अब बायर ने आपको ऑर्डर दिया, अब आप क्या करेंगे, आपको ऑर्डर मिला, अमेजोन तो कहेगा भैया आपके पास आएगा कि यार हमें गुड्स दो, या तो आप डिलीवरी दे सकते हो उसको, या फिर आप अमेजोन को दो, अमेजोन जाके डिलीवरी देगा। अब आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर मिला, अब आप अली एक्सप्रेस से उस गुड्स को मंगाइए। अली एक्सप्रेस एक ऐसी वेबसाइट है जो वर्ल्ड में कहीं भी आप हो आपको डिलीवरी दे सकता है। तो अली एक्सप्रेस ने आपको वो गुड्स दिया, वो ब्लूटूथ हेडफोन दिया, और उसके बाद आपने अपनी पैकेजिंग करके अमेजोन को दिया और अमेजोन ने आगे आपके बायर को पहुंचा दिया। सो दोस्तों, क्या लगता है इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? क्या आपको ये लगता है कि इसमें ज़्यादा रिस्क की ज़रूरत है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप इस डोमेस्टिक मार्केट यानी सिर्फ इंडिया में ही वो प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, आप अली एक्सप्रेस के ज़रिए पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो यानी बिना इन्वेस्टमेंट के आप एक बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेप की, अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके आपका काम चलने लग गया, अब आप क्या करिए, अपनी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाइए, उसको फेसबुक इंस्टा के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कीजिए और अपने बायर को उस वेबसाइट पे ऑफर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए अभी आपने ड्रॉप शिपिंग की, यानी ड्रॉप शिपिंग की शुरुआत की, अमेजोन के थ्रू आपको बायर मिला, आपने किसी से प्रोडक्ट लिया, अपनी पैकेजिंग की और आगे बेची उसको। अब आप एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस बायर को आप अपनी ई कॉमर्स की, अगर आपकी कोई वेबसाइट आपने बनाई है, आप चाहते हैं और आगे जाना, तो उस तक कैसे बुलाएंगे, आप उस प्रोडक्ट के अंदर, उस बॉक्स के अंदर जो बायर को आप भेज रहे हैं, उसमें एक कोड डाल दीजिए 10% ऑफ। अगर आप, यानी उस बायर को एक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हाँ, अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू यही सेम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको थोड़ा मैं एक्स्ट्रा या एडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर करूँगा। अब देखिए, छोटी सी बात है, अगर आप एक 600 रुपये का हेडफोन उठा रहे हैं और वो 1000 का बेच रहे हैं, आप बायर को कहेंगे देखो यार, आप 1000 का हेडफोन आपको पड़ रहा है, अब अगर आप मेरी इस पर्टिकुलर वेबसाइट से जाके ये हेडफोन परचेज करोगे तो मैं आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, यानी 10% डिस्काउंट दूंगा। तो ऑब्वियसली बायर धीरे धीरे आपकी वेबसाइट पर आना शुरू करेगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू करेगा, आप इधर से फेसबुक और इंस्टा के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, तो धीरे 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 करके आपका बिजनेस सेट हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, ये तो था डोमेस्टिक ट्रेड की बात, देखिए आप बैठे बैठे यहां से किसी भी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस के थ्रू बेच सकते हैं, यानी अली एक्सप्रेस वर्ल्ड में डिलीवरी देगा। आप चाहे यूरोप है, अमेरिका है, कोई भी कंट्री है, प्रोडक्ट लिस्ट करिए, वहां से आपको ऑर्डर मिला, अली एक्सप्रेस के थ्रू मंगाइए, कोरियर करिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके बिल्कुल जवाब दूंगा। और फिर एक बार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और साथ में बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। सो दोस्तों, देखते रहिए आने वाले वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आ रहा हूँ। मिलूंगा अगले वीडियो में, गुड डे।